लेट्स कंटिन्यू रीडिंग लास्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस दी विनर्स टुडे, आस्क पैगी. पैगी ने पूछा मैडी से कि क्या आप सोचती हो कि हमारी जो स्कूल टीचर है मिस मैसन, वो आज प्रतियोगिता का जो विनर है, जो जीतने वाला बच्चा है, उसका रिजल्ट अनाउंस करेगी. ओ आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी. मैडी ने आगे से कहा कि जैसे ही हम स्कूल में पहुंचेंगे तो उसके अगले ही क्षण इसका रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. पैग है वो स्मॉल नेम है पैगी के लिए, और मैं जानती हूँ कि आप ही इसको जीतने वाली हूँ. होप सो, सैड पैगी ईगरली. ईगरली होता है बड़ी उत्सुकता के साथ कोई बात कहना, और पैगी ने भी अपनी बात है वो बड़ी उत्सुकता के साथ कही कि मैं भी इस बात की आशा करती हूँ कि आई शैल बी द विनर ऑफ दिस ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे ही वो क्लासरूम में जाते हैं, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड. गैस्प्ड होता है हाँफना, उनका सांस फूला हुआ था बिकॉज इट वॉज रेनिंग, एंड दे केम रनिंग टू स्कूल, और वो भागती हुई स्कूल पहुंची थी. दे वर ड्रॉइंग ऑल ओवर द रूम. उन्होंने देखा कि जो दीवारें हैं कमरे की, वहाँ पर चारों तरफ क्या हैं, ड्राइंग्स लगी हुई हैं. ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, सब खिड़कियों के ऊपर, ठीक है, सब कीलों के ऊपर हैं वो तस्वीरें लगी हुई हैं. ड्रिजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, और उसके अंदर जो रंग भर रहे हुए थे वो बड़े ही शानदार थे. ब्रिलियंट होता है शानदार. लेविश डिज़ाइन, बड़े ही लेविश डिज़ाइंस थे, ऑल ड्रॉन ऑन दी ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और वो रैपिंग पेपर्स के ऊपर वो बनाए हुए थे. देयर मस्ट हैव बीन ए 100 ऑफ देम, उनमें से कई मतलब डिज़ाइन थे 100 की संख्या के अंदर, ऑल लाइंड अप, सभी के सभी है वो एक कतार के अंदर लगे हुए थे. दीज मस्ट बी ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट थी, ड्राइंग के लिए जो बच्चों ने बनाए थे वो हो सकते थे, लेकिन ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट है वो सारे के सारे वांधा नहीं बनाए थे, वही लगाए हुए थे. देवर एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमिरिंगली, और सब बच्चे हैं वो विसल किए हुए जा रहे थे, विसल बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, और उनकी एडमायर करना होता है, प्रशंसा करना, और उनको उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे. एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास है वो शुरू होती है, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स. मिस मैसन ने अनाउंस किया जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज. जैक बेजल्स है वो वांदा का ब्रदर है, उसने क्या है कि बॉयज का कॉन्टेस्ट है वो जीता था, बॉयज के अंदर वो विनर था. शी सैड एंड द डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचिज बाय ऑल द अदर बॉयज. और उसने रूम नंबर 12 के अंदर है जो एग्जीबिशन थी, ठीक है, वहाँ पर उसका स्केच है वो लगाया हुआ था बना करके, ठीक है. एज फॉर एज गर्ल्स शी सैड, जहाँ तक लड़कियों की बात थी उसने कहा, ऑल दो जस्ट वन और द टू स्केचिज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर बच्चों ने एक या दो स्केच हैं वो बनाए थे. वन गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड फॉर ओफर, और रूम नंबर 13 से एक ऐसी भी लड़की थी जिसके बारे में सब बच्चों को एक प्रकार से प्राउड फील करना चाहिए, गर्व होना चाहिए. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्र्यू 100 डिज़ाइन, और इस लड़की ने 100 डिज़ाइन है वो बनाए थे, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे के सारे सुंदर थे, सारे के सारे एक दूसरे से अलग थे. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जो जजों की राय थी, ओके, जो जजेस की राय थी, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग, उनमें से कोई भी डिज़ाइन है वो एक प्रकार से इस योग्य था कि उसको विनर घोषित कर दिया जाए फॉर द प्राइज के लिए. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांदा प्रटनस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और उसने ये भी अनाउंस किया कि मेरे को बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि लड़कियों के लिए वांदा प्रटनस्की है वो इस इवेंट की विनर है. अनफॉर्चुनेटली वांदा हैड बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर, और उसने ये भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यवंश वांदा वहाँ पर स्कूल में उस समय प्रेजेंट भी नहीं थी, और जितनी उसकी प्रशंसा हो रही थी वो उस प्रशंसा की पात्र नहीं बन सकती थी, उसको वो देख नहीं सकती थी. लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, उसने ये कहा कि इस बात की आशा करते हैं कि वो कल स्कूल आ जाएगी. नो क्लास, यू मे फाइल राउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट
हर एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट का मतलब होता है फाइन, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। और उसने ये कहा कि आप अपने रूम के अंदर चक्कर लगा करके आराम से बिना शोर शराबे आप उसकी ड्राइंग्स को देख करके लुत्फ उठा सकते हो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इन टू अपलॉज, सारे बच्चे हैं वो बड़ा शोर करते हैं, तालियां बजाते हैं। एंड इवन दी बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन दी फ्लोर, और बच्चों को एक प्रकार से फ्लोर को जो फर्श होता है उसको उसको एक प्रकार से उससे आवाज करने का मौका मिल गया। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउस, उन्होंने अपने मुंह के अंदर अपनी उंगलियां डाली। एंड विसल, और उन्होंने सीटी बजाई। दो देवर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो बच्चे हैं वो ड्रेसेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं थे। लुक बैक, विस्पर्ड मैडी, दैट इज देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज नॉट इट ब्यूटिफुल। ठीक है, मैडी विस्पर करना होता है, कान के अंदर बोलना, धीरे से बोलना। मैडी ने पैगी को बोला, देखो क्या वो ये ब्लू ड्रेस नहीं है जिसके बारे में वो बातें किया करती थी, इज नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है। तो ये क्या है, टैग क्वेश्चन है बेटा, टैग क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। व्हेन वी से समथिंग इन पॉजिटिव, ओके, वी कैन से इट इन नेगेटिव आल्सो, यस सैड पैगी। पैगी ने भी आगे से कहा, हाँ ये वही है। एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, ठीक है, यहां पर वो ग्रीन वाली ड्रेस है। बॉयज एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और लड़कों ने आगे से ये कहा कि हम भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, आई होप दैट यू आर एबल टू एंजॉय, यू आर एबल टू रीड इट नाउ, यू विल बी एबल टू रीड इट बाय योर ओन। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक योर नेक्स्ट पार्ट। दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।